आप ये सोचिए सर कि जब लोगों को पता चलेगा, जब मीडिया में, सोशल मीडिया में ये बात फैलेगी कि खुद डीएसपी सर ही हमारी इस मुहिम में सपोर्ट कर रहे हैं, तो सोचिए पुलिस की छवि रातों रात कितनी अच्छी हो जाएगी, बदल जाएगी, कितनी पॉजिटिव हो जाएगी सर। हम सब जानते हैं, वैसे तो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन जो समझ रहे हैं वो बात नहीं समझ में आ रही। मतलब जो समझना चाहिए वो समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब जो समझना है वो क्या समझना है। किसी भी हालत में हमें करीना को बचाना ही होगा, वरना इनके चक्कर में करिश्मा सिंह सस्पेंड हो जाएंगे। वो छोड़ दीजिए सर आप। देखिए सर, हम आपकी बात भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि चाहे आम इंसान हो या पुलिस, किसी के साथ भी ऐसा सख्त बर्ताव नहीं करना चाहिए जिसकी सजा हम करिश्मा सिंह को देंगे। करिश्मा सिंह जी, आज से लेकर अगले 24 घंटों तक गोपालगंज का ट्रैफिक आप संभालेंगे, क्लियर? ठीक है ना सर? हाँ। सर थैंक यू सो मच। अब बहुत जल्दी में हमें भी बहुत सारा काम है, आई एम श्योर आपको भी बहुत सारा काम होगा सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। अब सब सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि समझे क्या। चलो करी टेक करते, चलो आ जाओ, चलो गर्ल्स रेडी, मूड 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 मूड, फिर से करेंगे वापस, कम ऑन, साउंड एक्शन। अयो ये करी अम्मा का ड्यूटी तो बड़ा मुश्किल। ढंग से तो करो, जो सिखा है उतना तो कर दो। ये ठुमके मारना तो हमारे बस का बात ही नहीं है। वापस करते, चलो एक्शन। मैडम कैसा रहा शूटिंग आपका? मैडम दिमाग का चूर्ण मत करो, अभी शूटिंग का नाम लेंगे। नहीं, हम समझ सकते हैं आप काफी थक गई होंगी। अरे काफी, चेहरा तो देखो ऐसा मुरझाया है। आप ना मैडम आराम से बैठिए, हम आपके लिए फटाक से बेहतरीन चाय ऑर्डर करते हैं। अदरक वाली? हाँ लेकर आते हैं, लेकर आते हैं मैडम। सर दबा दे आपका। नहीं पूछ रहे संतु जी कैसी हैं आप, ठीक तो है ना? कहाँ थी, कहाँ? उसको क्या हुई? मैं ट्रैफिक सिग्नल पे था, मेरे से पूछ क्या हुई? मेरा हालत खराब होता, पूरा दिन ट्रैफिक सिग्नल पे मैं ड्यूटी करता, मेरा बॉडी का सारा स्क्रू लूज हो गया, बॉडी में से कड़कड़ कड़कड़ आवाज आता, और उधर मेरा मेकअप टीम नहीं होता, कोई नहीं मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरा स्किन मेरे को बहुत रफ लगता, स्पा फेशियल सब कराना। कितना मजा आता है? तुम्हारा पुलिस का नौकरी कितना अच्छा, वंडरफुल, मैं कहता। हाँ मुझे बहुत मजा आया, पूरा दिन मैंने रॉब दिखाया, चाबी घुमाया, पिज्जा खाया, एकदम बच्चों का गेम होता रे। तो तुम्हारा शूटिंग में कौन सा पहाड़ तोड़ना होता है? पूरा दिन बस नखरे करो, चार ठुमके लगाओ। नहीं मतलब ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी करना है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई जूस पिला रहा है, कोई फ्रूट दे रहा है, कोई ये कर, ऐसा लगता है जैसे पिकनिक में आए हैं। कितने मजे किए हमने भी वहां जाके, पता है तुमको? अच्छा जी, हाँ तो ये पुलिस का नौकरी भी कोई भी कर ले, कितना मजा आया मुझे पूरा दिन। तो तुम्हारा अब जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। ओह जैन, मैं ये बता रहा था कि ट्रैफिक सिग्नल में मेरे को कितना मजा आया, वहां पे कितना कुछ होता है। हेलो, क्या कहा हुआ पुष्पा, सब ठीक तो है? बिल्लू के एस रिपोर्ट्स आ गए। ठीक तो है ना अपना बिल्ला? क्या है रिपोर्ट्स में पुष्पा जी, क्या हुआ बताइए।
पुष्पा जी बताइए क्या हुआ बिल्लू को, प्लीज बताइए। बिल्लू को ब्रेन ट्यूमर है मैडम। लास्ट स्टेज, बस दो या तीन महीने और। डॉक्टर ने कहा है एक ऑपरेशन है जो उसकी जान बचा सकता है, मगर उसके लिए देश से बाहर जाना पड़ेगा और कम से कम 55 से 60 लाख का खर्च आएगा। पुष्पा जी एक मिनट, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए, बैठिए यहाँ पे बैठिए। हिम्मत रखिए पुष्पा जी, कुछ नहीं होगा बिल्लू जी को। डॉक्टर ने कहा है ना अभी भी उम्मीद है, ऑपरेशन होगा तो बिल्लू जी ठीक हो जाएंगे। मगर कैसे, कहाँ से इंतजाम होगा इतनी बड़ी रकम का? हम सब मिलके जमा करेंगे ना पुष्पा जी, हम सब अपनी सेविंग्स निकालेंगे। मेरी सेविंग्स और ज्वेलरी सब मिलाकर मेरे पास कम से कम 3 लाख तो होंगे। सिर्फ 3 लाख से क्या होगा संतू? हाँ लेकिन कम से कम शुरुआत तो होगी ना। देखिए हमारे पास अब सब कुछ मिलाकर करीबन कुछ 7-7.5 लाख तक होंगे, मिल जाएंगे। 5-6 लाख रुपए तो हम भी कर सकते हैं। नहीं मतलब गांव पर हमारे नाम का एक जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, वो जमीन का टुकड़ा हम बेच देंगे तो 5-6 लाख रुपए का मदद तो हम भी कर सकते हैं मैडम सर। और हमारा और पुष्पा जी का भी जो भी हमने जमा करके रखा है उसको मिलाएंगे तो 4-4.5 लाख तक हो जाएगा वो भी, है ना? करीना तो वैसे ही अपने पिताजी के ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ रही है, ये कहां से देगी इतने पैसे? मैं हाँ हाँ करीना भी जो है फिल्म के एक बार पैसे मिल जाए तो करीना वो पैसे दे सकती है हमें, है ना? अभी कहाँ से मिलेंगे पैसे, खर्च हो गए होंगे। फिल्म के पैसे मिलेंगे जैसे ही वैसे ही दे देगी वो, है ना? हाँ वही, मेरे पास होता तो मैं हेल्प करता पर अभी मैं बहुत हेल्पलेस। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम सब समझते हैं, इट्स ओके। पर फिर भी और पैसे चाहिए होंगे ना? अरे हाँ हमको याद आया पुष्पा जी, हम ब्याह के टाइम पे नहीं वो ज्वेलरी लेकर आए थे, वो भी तो है हमारे पास, वो बेच देंगे हम, है ना? उससे काफी पैसा मिल जाएगा बिल्लू के इलाज के लिए। वो गहने थे क्या? मतलब हम समझे नहीं। मतलब ये याद है आपको जब मलाइका गांव गई थी, हमने अमीना को रखा था काम के लिए। हाँ। और कुछ दिनों से अमीना भी काम पे नहीं आ रही थी तो हम उसके घर चले गए थे देखने के लिए कि उसकी तबीयत तो ठीक है। तब पता चला कि उसके पति की हालत बहुत खराब थी, मतलब इतनी खराब थी कि अगर इलाज नहीं होता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। और अमीना बेचारी पैसों के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही थी। तो आपके जो गहने थे उसमें से आधे गहने बेचकर हमने उसको पैसे दिए। अब उसके पति का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है और वो ठीक हो गया है। जीवन साथी खोने का दर्द क्या होता है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब आपने किसी का जान बचाया पुष्पा जी, किसी का पति बच गया, किसी का जीवन साथी बच गया, इससे नेक काम और क्या हो सकता? आपने क्यों नहीं बताया हमको? डर गए थे क्योंकि वैसे उन गहनों पर हमारा अधिकार नहीं था ना, उन गहनों पर आपका अधिकार है और बिना बताए हमने बेच दिए। एक मिनट पुष्पा जी, सबसे पहले तो उस गहनों पे हम दोनों का अधिकार है, दूसरी बात आपने बहुत नेक काम किया इसके लिए आपके लिए ये बनता है। कोई बात नहीं, आधे तो बचे हैं ना। हाँ। वो बेच देते हैं हम बिल्लू के इलाज के लिए, ठीक है? और उना बंद कीजिए। फिर भी कम पड़ेंगे मैडम, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? एक मिनट, जहाँ तक हमारी जानकारी है ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो मेडिकल ग्राउंड्स पर लोगों की फाइनेंशियली मदद करते हैं, तो पुष्पा जी और करीना आप लोग ऐसे एनजीओज के बारे में पता लगाइए, जाइए उनसे जाकर बात करिए, उन्हें बिल्लू की सिचुएशन के बारे में समझाइए, देखिए क्या पता चलता है। हाँ जी मैडम सर। मैडम सर हम जाते हैं ना पुष्पा जी के साथ? नहीं नहीं करिश्मा सिंह, देखिए आपका जो है करीना की शूटिंग पर होना बहुत जरूरी है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो करीना के हाथ से फिल्म निकल जाएगी। मैडम सर यहाँ पे आप करिश्मा सिंह, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे, रिलैक्स प्लीज, आप जाइए और
काम कीजिए। ठीक है मैडम सर, पर एक बात कहना है आपसे, आपसे गुजारिश है ये बात कि कुछ भी हो जाए बिल्लू को कुछ मत होने देना, अभी उसको ठीक कर दो जल्दी से, हमें उसको बहुत सारे कंटाप लगाने हैं अभी, बहुत सारे, कहाँ बचेगा वो। मच्छर बताइए क्या कर सकते हैं आपकी सेवा में? फ्रेश लाइम जूस, नो शुगर, मिंट लीफ मिलता तो भी चलता। आप गलत जगह पे आ गई हैं। वेलकम रेस्टोरेंट अगले सिग्नल पर है, दो दुकान छोड़कर। ये एनजीओ है और मैं यहाँ का संचालक सत्यवीर, आपकी सेवा में। हिलिएगा नहीं। मच्छर जी, जी हम सही जगह पे आए हैं, हम आप ही से मिलने आए हैं। हमारी बात हुई थी, हमने आपको हमारे पेशेंट की हिस्ट्री मेल की थी, बिल्लू चंपत ट्यूमर पेशेंट। हाँ याद आया, बिल्लू चंपत बात हुई थी हमारी आपसे। वैसे ये वही मशहूर महिला पुलिस करिश्मा मैडम है ना, वो कंटाफ वाली? जी बिल्कुल, क्यों लग नहीं रही क्या? नहीं, वो जब से आई हैं उधर देखकर ही बात कर रही हैं, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, वो सब बोलता कि मेरा लेफ्ट प्रोफाइल बहुत ब्यूटीफुल। दिक्कत दिक्कत दिक्कत, गर्दन में दिक्कत है इनकी, आज सुबह लचक गई थी ना तो हो गई सीधा। वो ठीक है जी, आप क्या कह रहे थे? एनजीओ के अकाउंट में इतना फंड नहीं है कि आपके पेशेंट का ऑपरेशन करा पाए। हाँ, अगर कल को कहीं से कोई डोनेशन आती है तो आपके बंदे का भी ऑपरेशन करा देंगे आपके सेवा में। नहीं 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 सर, हमारे पास इतना समय नहीं है, जल्दी करना पड़ेगा उसका ऑपरेशन। मैडम मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता। कोई तो उपाय होगा फंड इकट्ठा करने का। एक तरीका है आपकी सेवा में, पब्लिक फंडिंग। पब्लिक फंडिंग मतलब? पब्लिक फंडिंग मतलब एक जन अपील डालिए और आम पब्लिक से सहायता की मांग कीजिए। वो कैसे? एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर डालिए और पब्लिक की मदद लीजिए। ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको, इस महिला रूपा ने ऐसा ही वीडियो डालकर पब्लिक से मदद ली है। मैं रूपा, मेरे बच्चे को कैंसर की बीमारी है, मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि मेरी सहायता करें। मेरे बच्चे को बचाने के लिए आप लोग जितनी धनराशि दे सकते हैं दीजिए, प्लीज मेरी सहायता कीजिए प्लीज। अरे ये तो तुम जानते इसको? हाँ ये तो अमीना है। रूपा है मैडम? नहीं ये अमीना है, हम जानते हैं इसे। अरे इसके पति के इलाज के लिए हमने हमारी बहू के आधे से ज्यादा गहने दिए इसे। वाह 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 वाह, मतलब पहले पति के नाम से गहने लिए इसे, पैसे मांग रही है और अब बच्चे को गोद में लेकर बैठी है। वो पति की कहानी भी झूठी थी, अब ये बच्चे की कहानी भी झूठी है। इसने हमें हमें पुष्पा सिंह को, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह को ठगाया, पुलिस को ठगाया। हम नहीं छोड़ेंगे इसे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इसे। ये क्या था? मच्छर आपकी सेवा में। साउंड कैमरा एक्शन। हे भगवान, हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। एक सासुमा, अब ये है जिनसे हमें बहुत प्यार हो गया है, लल्ला को कहिएगा कि टूर पे ही रहे और वापस आने का कोई जरूरत नहीं है, हम इनके साथ भाग रहे हैं, है ना? अब बस आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी, गुरुजी कहाँ खोए आप? कट 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 कट, अरे नहीं कैन, नहीं ऐसे नहीं, अंदर से फील करो,
अब क्या चाहती हो? हैं? तुमसे परेशान होकर के कोरियोग्राफर चली गई, अब तुम चाहती हो कि मैं भी चली जाऊं? आई मीन मैं चला जाऊं? नहीं कैन, एनर्जी के साथ हो जाएगा। यस, कम ऑन, चलो करते हैं। चलो, रेडी, साउंड, कैमरा, एक्शन। अम्मा, उठिए। अरे क्या हो गया आपको? और ये कौन है बाहर वाली? किसको साथ लेके घूम रही हैं आप? इनको निकालिए, आप बाहर जाइए, हमको कुछ पर्सनल बात करना है, जाइए आप। बाहर वाली नहीं है ये। तो कौन है? ये मैं होता कर रही हूँ अम्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये इसको काहे लाई हो? ये इसको कोई देख लेगा तो बवंडर हो जाएगा यहाँ पे। तुम निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो। गुस्सा, वो सब छोड़ो, ये लो। ये क्या? फोन है। तो हमको भी पता है कि फोन है, लेकिन अभी क्या करें हम इसका? लल्ला को आई लव यू कहो। का? देखो आई लव यू कहो, वरना वरना क्या? वरना क्या? वरना हम अभी इसी वक्त हमारी जान दे देंगे। अयो अयो, मैं ये खुद को मारता, तुम पे मर्डर का इल्जाम लगता। आई लव यू, बोलो बोलो बोलो। हेलो जी, वो आई लव यू। हाँ भैया, I love you too, पर अचानक ये तुम्हें हुआ क्या? वो हम बाद में समझाते हैं, हमें अचानक का हुआ। I love you। जी बोल दिया। अब समझाएंगे ये पगले पने काहे करवाए हमसे? क्या हो जाता है आपको? दौरा पड़ता है क्या पुष्पा जी? अयो मैं बताता, वो इनसिक्योर होता। वो तुम हीरो के साथ इतना चिपक चिपक के डांस करता ना, इसलिए इनसिक्योर होता, I love you बुलवाता अपने बेटे को, है ना? पर गुरु जी, जिस काम के लिए तुम यहाँ आता वो बोलो। कौन सा बात? अरे हाँ, वो तो हम भूल ही गए। देखो एक मिनट, एक मिनट। हाँ ये देखो, मैं रूपा, मेरे बच्चे को कैंसर की बीमारी है। ये वीडियो में जो अपने बीमार बच्चे के लिए मदद मांग रही है, पब्लिक फंडिंग कर रही है, वीडियो में अपना नाम रूपा बता रही है, असल में ये अमीना है। ये वही अमीना है जिसके बीमार पति के इलाज के लिए हमने हमने आपके गहने बेचकर उसको पैसे दिए थे। उस दिन बीमार पति के लिए पैसे मांग रही थी, आज बच्चे के नाम पर पैसे मांग रही है। मतलब समझ रही हैं आप? लोगों को ठगती है, चीटिंग करती है, लोगों की भावनाओं के साथ खेलती है ये। हाँ, और उसने हमें भी ठगा। हमें इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि उसने हमें ठगा, हमें बुरा इस बात का लग रहा है कि अपने पति की झूठी बीमारी का नाटक किया उसने। हम नहीं छोड़ेंगे उसे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अतः पता है उसका कुछ? उसके पते पर हमने संतू को भेजा था, मगर आप कह रहे हैं लोग कि अमीना तो कब का घर छोड़ के भाग गई। हाँ तो जाहिर सा बात है ना, जिसको ठगना होता है वो थोड़ी ना अपना पता बताएगा। अरे अम्मा तुम बहुत स्मार्ट। हमसे क्या चाह रही हैं आप? क्या कब मदद कर सकते हैं हम आपका? क्या चाहती हैं? हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारी बहू के गहने वापस चाहिए। हाँ, उसने हमसे झूठ बोला, हमें ठगाए, हम उसको सलाखों के पीछे देखना चाहते बस। हाँ वो सलाखों के पीछे होना मांगता, पीछे होना मांगता। वो देखो कबूतर। ये क्या किया? मार दिया अपनी सखी बहन। मारा, मारेंगे क्या हम उसको? बेहोश किया, उसका बेहोश रहना भी जरूरी। अभी उस ठग को पकड़ना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी पुष्पा जी। और वहां थाना में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम वहां हैं, मतलब करिश्मा से वहां हैं। सबको लगना चाहिए कि करीना ही है, ठीक है? देखिए 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 मैडम सर, देखिए पुष्पा जी देख ही रहे हैं। मेरे बच्चे को कैंसर की बीमारी है, मेरे बच्चे को बचाने के लिए आप लोग जितनी धनराशि दे सकते हैं दीजिए। पुष्पा जी, आपको पूरा यकीन है कि ऐड वाली वही औरत है अमीना, जिसको आपने उसके पति के ऑपरेशन के लिए अपनी ज्वेलरी दी थी? मैडम सर, शत प्रतिशत, इसको तो हम लाखों की भीड़ में भी पहचान सकते हैं। फिर भी हम पुलिस है तो कोई शुबा नहीं रखते, पूरी तरह ठोक बजा कर शिनाख्त करते हैं। देखिए ये देखिए थोड़ा सा, हाँ ये देखो, ये जो टैटू है ना, ये टैटू अमीना के हाथ पर भी था। मैडम सर, ये शत प्रतिशत वही है। जाहिर सी बात हुआ ना मैडम सर, की ये जो औरत है ये कोई बेचारी नहीं है, ये बहुत बड़ी फ्रॉड है। अलग अलग सेटअप करती है, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है, चूरन बना रही है लोगों का। आप समझ रहे हैं मैडम सर, ये झूठी। देखा,
करे अम्मा कॉपी करता अच्छा किया ना। हाँ। वो मेरे को ना ऐसा डाउट होता इसलिए मैं बोलता। हाँ। बच गई करीना जी। हाँ हाँ, जैसा कि आपने कहा था वो लड़की के बारे में डिटेल्स निकालने के लिए, तो मैंने निकाल ली। वो लड़की पिछले 2 साल से अलग अलग नाम से अलग अलग गेटअप लेके अलग अलग इमोशनल स्टोरी सुनाकर लाखों रुपए ठग चुकी है क्राउड फंडिंग के नाम पर। एक सेकंड, ये तुमने कहा पता लगाने को? हाँ, वो मई मेरे को ऐसा थॉट आया तो मैंने पूछा संतू से। वो नाम डिटेल एड्रेस सब है ना? सारी डिटेल्स हमारे पास। क्या बात है करीना, तुम तो बहुत जल्दी पुलिस के काम करने का तौर तरीका, हमारे ढंग, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ सीख गई हो। अयो अम्मा, क्योंकि ये ओरिजिनल पुलिस होता, ये करी अम्मा।